दोस्तों नमस्कार। इन दिनों बिहार की जो हालत है उस हालत पर कई चर्चा की जा चुकी है। अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है उस अपराधियों के मनोबल बढ़े मनोबल को रोका नहीं जा रहा। आए दिन हत्याएं और लूट तो आम बात हो गई, अब पुलिस वालों की भी हत्या कर हथियार लूटने में अपराधी हिचकते नहीं हैं। तो दोस्तों आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबर ही खबर मोटिवेशनल चैनल बाय BNY, मैं विवेक आनंद यादव। अपराधियों की इतनी मन बढ़ चुकी है, अब अपराधी पुलिस वाले को भी बकसने के लिए तैयार नहीं है। कल बीते संध्या की बात है कि NH 28 स्थित मार्कन चेक पोस्ट पर सकरा थाना अंतर्गत मुजफ्फरपुर में एक हवलदार मलेश्वर राम जो 56 साल के थे वो ड्यूटी कर रहे थे चेक पोस्ट पर। कार्बाइन लोडेड थी और दो मोटरसाइकिल सवार अपराधी आते हैं और सर में दो गोली मारकर उस लोडेड कार्बाइन को लूटकर फरार हो जाते हैं। उस कार्बाइन को लहराते हुए अपराधी भाग खड़े होते हैं। यह हवलदार मुंगेर जिला के रहने वाले थे और वो वहां चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी कर रहे हवलदार को दो गोली मार देना और मार कर उनके कार्बाइन को लेकर फरार हो जाना, यह बहुत ही आश्चर्यजनक घटना बिहार के लिए है। बिहार की DGP जहां एक ओर कानून का राज का दंभ भरते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दल के लोग कानून की राज की बात करते हैं, लेकिन वही दूसरी ओर हवलदार मलेश्वर राम को गोली मारकर कार्रवाई लूटकर अपराधी फरार हो जाते हैं जो अब तक नहीं पकड़े गए। काफी ग्रामीणों की भीड़ हो गई। ग्रामीणों की भीड़ लगने के बाद वहां SP पहुंचते हैं और लोगों को समझा बुझाकर हटाते हैं और अपराधी के भागे जाने के निशानदेही पर अपराधी की खोज में पुलिस लग जाती है। लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं मिली कि अपराधी मिले या न मिले, हथियार बरामद हुआ या न हुआ, वह अलग सी बात है। लेकिन बात असल ये है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा कि बिहार में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और पुलिस वाले की कार्रवाई लेकर फरार हो जाते हैं। इसके पूर्व भी छपरा के मड़ौरा में दो पुलिस वाले की हत्या कर दी गई थी और हथियार लेकर अपराधी फरार हो गए थे। फिर मुजफ्फरपुर में हवलदार की हत्या करके हथियार लेकर फरार हो गए। वही दूसरी ओर जोगबनी अररिया जिला के जोगबनी के पुलिस वाले हत्या के आरोपी को पकड़ने जाते हैं, वहां पुलिस वाले पर हमला कर दी जाती है और चाकू से वार करके वहां के थाना प्रभारी जीवेश कुमार ठाकुर और हवलदार को घायल कर दिया जाता है और पुलिस की पिटाई भी कर दी जाती है। आखिर बिहार में कानून का राज है या नहीं है, इस विषय में मंथन जरूरी है। आखिर ऐसी सरकार किस काम की जिसके शासन काल में पुलिस वाले की हत्या हो जाती है, हवलदार को दो गोली सर में मार के हत्या कर दी जाती है और कार्रवाई लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस वाले अरेस्ट करने जाते हैं अपराधी को तो वहां उस पर चाकू से वार करके घायल कर दिया जाता है। कब थमेगा यह सिलसिला? कहीं मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को पीट दी जाती है, कहीं छेड़खानी के नाम पर पीट दी जाती है, कहीं बच्चों की चोरी की आशंका पर पीट दी जाती है। यह सिलसिला इस कदर बढ़ चुका कि जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में कानून राज नहीं, बिहार में मुख्य कानून है और यहाँ अपराधी और आम लोग जो चाहें जब चाहें कहीं भी किसी के साथ कर सकते हैं। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और आश्चर्यजनक घटना यह देखा जा रहा है। दोस्तों आपको अगर ऐसा लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार के शासन काल में अपराध बढ़ा, मॉब लिंचिंग बढ़ा, बलात्कार बढ़ा,
हत्या बढ़ा, पुलिस वाले की हत्या हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें, मैं उसको उस पर भी और भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।